पेरोक्साइड इफेक्ट सुना है? क्या बोलते हो? एंटी मार्कोनिकोव्स, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है? और क्या बोलते हैं इसको, याद है? क्रैश इफेक्ट या फिर अभी लेटेस्ट वाली बुक में ऐसा लिख के आता है, जो भी है, ठीक है? जो तुम्हारा मार्कोनिकॉफ्स रूल था, ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स, वो किसके बेस पे प्रोसीड होता था, याद है? वो एक टाइप का क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन रहे थे उसमें, याद है? इसके लिए, और जबकि ये जो पेरोक्साइड होता है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट, ये मैंने तुमको वहां पे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ये तुमको पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो पेरोक्साइड इफेक्ट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, और मार्कोनिकॉफ्स जो नॉर्मल है तुम्हारा वो इलेक्ट्रोफिलिक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बेस पे रिएक्शन होता है, ठीक है? वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता था, फिर कार्बोकेटाइन बीच में शिफ्ट होता था, तो फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर रिएक्शन करता था आगे। बट पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता मालूम है? ये फ्री रेडिकल के बेस पे प्रोसीड होता है रिएक्शन, ठीक? लिख लो, फिर देखते हैं आगे। हमको पता है, कोई बता सकता है, अगर मैं इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दैट इज H2O2, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? प्रोडक्ट बनता है CH3, CH2, CH2, यहाँ पे Br। बुक्स में ऐसा लिखा होता है ना, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अ रिएजेंट गिव्स कॉन्ट्रेरी रिजल्ट्स टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स का उल्टा देता है, मार्कोनिकॉफ्स में यहाँ पे आता है नेगेटिव पार्ट, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ्स में ये डबल बॉन्ड में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उसके पास आएगा, राइट? ये कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है? बट ऐसा हो क्यों रहा है? पेरोक्साइड में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये उल्टा रिएक्ट करने लग जा रहा है, तो वही अपने को देखना है, ठीक है? पेरोक्साइड का मतलब जानते हो, इसको अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, बट ये फॉर्मेट को एक्चुअली में पेरोक्साइड बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे Na2O2 रख दूँ ना, तो ये सोडियम पेरोक्साइड बोला जाएगा, R2O2 बोल दूँ तो ये अल्काइल पेरोक्साइड बोला जाएगा। तो पेरोक्साइड का मतलब हमेशा ऐसा ध्यान में मत रखना कि H2O2 ही होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है? ये जो बॉन्डिंग होती है ये पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है? तो इसके वजह से इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, पर डिपेंड करता है कि तुमने दूसरी चीज क्या ली हुई है। तो बहुत सारे पेरोक्साइड प्रेजेंट है, ऐसा कभी ध्यान में मत रखना कि खाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। अब देखो, अगर इसके मैं मैकेनिज्म की बात करूं, तो जो पहला स्टेप होगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये पेरोक्साइड अनस्टेबल होता है, ये खुद अपने आप को डिवाइड कर लेता है। मान लो कि हम लोग ने कोई अल्काइल पेरोक्साइड लिया हुआ है, इसे इसका बताओ होमोलिटिक फ्यूजन होगा या हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा? होमोलिटिक होगा, और क्या बन जाएगा, 2RO डॉट, क्लियर है पहली स्टेप? और यहीं से रिएक्शन क्या होती है, शुरुआत होती है, यहीं से रिएक्शन प्रोसीड करना चालू होती है, इसीलिए इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है? इनिशिएट होती है ना यहाँ से रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं इनिशिएशन, या तुम बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब ये जैसे ही सेपरेट होता है पेरोक्साइड, ये क्या करता है मालूम है? दूसरा यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये रिएक्टिव था, इसने अपने आप को सेपरेट किया, ये रिएक्शन कर देता है HBr के ऊपर, कौन करेगा, RO डॉट।
ये आरओ डॉट जो बना है, अगर इसने एचबीआर पे रिएक्शन कर दिया, ठीक है, तो यहां से ना तो एच प्लस रिलीज होगा ना तो ओएच माइनस रिलीज होगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है, तो ये हाइड्रोजन इसका भी क्या करवाता है, होमोलिटिक फिजन ही करवाता है, जिसके वजह से ये एच चला आता है इसके ऊपर, तो यहाँ पे बन जाता है आर ओ एच, और ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर, तो यहाँ से रिलीज होता है बी आर फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहीं से तुम्हारी रिएक्शन चालू हो जाती है। कैसे? ये बी आर फ्री रेडिकल क्या करता है, इस पे रिएक्शन करेगा। देखो स्टेप अगर मैं थ्री की बात करूं, तो बी आर फ्री रेडिकल जब तुम इससे कंबाइन करोगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन तो दो हैं। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास? जब ये बी आर फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा, तो पाई बॉन्ड का भी होमोलिटिक फिजन होगा, एक फ्री रेडिकल इस पे आ सकता है, दूसरा इस पे आ सकता है, और ये बी आर या तो इससे बॉन्ड बना सकता है या तो इससे बना सकता है। लेकिन तुमको पता है कि बी आर बॉन्ड कहाँ पे बनाएगा, किस पे बनाएगा, बताओ, इस पे बनाऊं या इस पे बनाऊं? इस पे बनेगा, क्योंकि ये वाला फ्री, अगर मैंने बी आर इस पे बना दिया, तो ये फ्री रेडिकल इस पे बन जाएगा, और ये फ्री रेडिकल इस पे है तो अनस्टेबल है। अगर इस पे मैं बी आर जोड़ दूं, तो फ्री रेडिकल किस पे बचेगा, बीच वाले पे, और बीच वाले पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? ठीक है। तो अब ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये फिर से एच बी आर पे रिएक्शन करता है, और वहां से क्या खींच लेगा, एच डॉट को खींच के यहाँ पे सी एच टू कर लेगा, और फिर से एक बी आर रेडिकल फ्री हो जाएगा, और फिर ये बचा हुआ बी आर रेडिकल दूसरे पे रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन चलती रहती है ऐसे। मतलब इनिशिएट कौन कर रहा है रिएक्शन को, पेरोक्साइड, ठीक है। चलो ये थर्ड स्टेप लिखो, फिर देखते हैं। ये जो थर्ड वाली स्टेप है, CH3 CH CH2 प्लस इस पे बी आर डॉट का रिएक्शन हुआ था, जिसके वजह से हमको एक चीज़ मिली, CH के ऊपर डॉट और CH2 के ऊपर बी आर। अब मैंने क्या बोला, जो फोर्थ स्टेप होगी तुम्हारी, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये फ्री रेडिकल दूसरे जो रिएजेंट प्रेजेंट है, मतलब ये वाला, मतलब जो दूसरा रिएजेंट है वो क्या, अपने पास HBr है, इस पे ये फिर से रिएक्शन कर जाएगा, और इसके पास फ्री रेडिकल है तो ये इसका अगेन होमोलिटिक फ्यूजन करवाएगा, जिसके वजह से हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन और Br पे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट तुमको मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, और प्लस Br का फ्री रेडिकल क्या हो गया, खाली पड़ गया। अब ये बी आर फिर जाके किसी, ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस समझ रहे हो, एक बार इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा वापस, मतलब बी आर फिर जाके किसी दूसरे एल्कीन पे रिएक्शन करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये एल्कीन फिर एच बी आर पे रिएक्शन करके फिर बी आर प्रोड्यूस करेगा, तो ये स्टेप चलती रहती है। तो जो पहली स्टेप थी उसको मैंने क्या नाम दिया था, इनिशिएशन, और ये जो स्टेप होती है इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन, ठीक है, कंटिन्यूअसली ये चलते जाएगा, प्रोपोगेट होते रहेगा, तो इनको बोलते हैं प्रोपोगेशन। अब आता है तुम्हारा डाउट कि हमारे पास सर सॉल्यूशन में बहुत सारे बी आर डॉट बन गए हैं, ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूशन में बहुत सारे आर डॉट भी बन गए हैं, आर डॉट भी तो बहुत सारे बन रहे हैं, तो बहुत रेयर कंडीशन होती है कि बी आर बी आर से कंबाइन होके बी आर टू बना दे और आर आर से कंबाइन होके आर टू बना दे, ठीक है, कंडीशन तो रेयर है बट बन जाती है। तुम ऐसा बोल, ऐसा नहीं बोल सकते कि सोल्यूशन में ये बनेंगे नहीं, रेयर कंडीशंस हैं बट सोल्यूशन में कम दिखते हैं तुमको, ज़्यादा करके ये सब प्रोडक्ट दिखेंगे, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। टर्मिनेशन स्टेप इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अगर मान लो बी आर से बनने लग जाए बी आर टू, तो ये जो रिएक्शन चल रही थी, अगर बी आर आपस में ही कंबाइन होने लग जाए, तो ये रिएक्शन क्या होने लगेगी, स्लो होने लगेगी, कम एल्केन बनेंगे, ठीक है, कम एल्काइल हैलाइड बनेगा,
तो इसीलिए इनको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। ये टर्मिनेशन स्टेप क्या करती है, रिएक्शन के प्रोसेस को स्लो डाउन करने लगती है। बट होता ये भी है रिएक्शन में, ठीक है, बट एंटी मार्कोनी कॉर्प्स के पीछे का जो सिस्टम है वो ये था कि Br नेगेटिव पार्ट यहाँ पे क्यों अटैच होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस, ठीक है। तो रीज़न ये था, इसके मैकेनिज्म से हमको रीज़न पता चलता है कि इस रीज़न की वजह से Br यहाँ पे आता है और हाइड्रोजन यहाँ पे आता है। तो रिएक्शन तो चलती रहती है, उसमें बहुत सारे टाइप के प्रोटीन हैं। इस रिएक्शन में एक चीज़ ये होती है कि ये खाली HBr से रिएक्शन करता है, ठीक है, ना तो HI से करता है। पेरोक्साइड इफेक्ट तुमको सिर्फ HBr के साथ दिखता है, ना तो HF के साथ दिखेगा और ना ही HCl के साथ दिखेगा, ठीक है। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिवाइड होते हैं। Br क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन करता है, तो इसमें फ्री रेडिकल बनना बनने की पॉसिबिलिटी होती है। बट ये दोनों क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन से बॉन्ड फ्री रेडिकल के फॉर्म में बॉन्ड ही नहीं ब्रेक करते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे या तो न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। तो तुम ऐसे रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग हमेशा दोनों भी कौन से टाइप का रिएक्शन देते हैं मालूम है, दे बोथ गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं ये। उसमें भी तुम फ्लोरीन को नहीं लोगे, खाली क्लोरीन को ही लेंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म ये देगा तुमको, क्यों देगा उसका रीजन भी मैंने तुमको बताया, ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, और रिएक्टिविटी भी क्या होती है, नियरली सेम होती है। तो तुम बोल सकते हो ड्यू टू इक्वल बॉन्ड एनर्जी एंड रिएक्टिविटी, ठीक है। तो रीजन ये बनता है कि सर HI क्यों नहीं देगा, ठीक है, तो इसकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी कार्बन से इतनी लीस्ट होती है कि ये हाई CI बॉन्ड बनाने के बजाय I2 बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल चली जाती है, वापस आयोडीन का I2 बनना चालू हो जाता है, तो इसीलिए तुम ऐसे भी बोल सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसीलिए हम लोग HBr से ही पेरोक्साइड इफेक्ट को प्रोसीड करवाते हैं। तुम मार्कोनी कॉर्प्स में HBr भी ले सकते थे, HCl भी ले सकते थे, ठीक है, बट एंटी में तुमको हमेशा HBr ही देखने को मिलेगा वाला देता हूँ ना। जैसे ये HBr है, अब ये तो मार्कोनी कॉर्प से ही प्रोसीड होगा, और मार्कोनी कॉर्प क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे जाके अटैच होता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। तो ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है, लेकिन सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ थे, इस वाले कार्बन पे, तो Br आके यहाँ पे अटैच होगा। बट यही जब तुम एंटी मार्कोनी कॉर्प से करोगे, तो एंटी मार्कोनी कॉर्प का बोलना क्या होता है कि Br ऐसे कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है बट डबल बॉन्डेड, तो Br इसमें आके अटैच होगा, ठीक है। थर्ड HCl वाला केस मैंने बोला मार्कोनी कॉर्प से ही प्रोसीड करोगे, तो इसमें भी ये तुमको Cl यहीं पे दिखेगा, और इसमें पेरोक्साइड डालने के बाद भी ये HCl ना इलेक्ट्रोफाइल के जैसा और न्यूक्लियोफाइल के जैसा ही बिहेव करता है, तभी भी Cl यहीं पे ऐड होगा, समझा। दूसरा है भी ऐसे ही कि पहला तुमको प्रोडक्ट बनाना है सिर्फ HBr के साथ, दूसरा तुमको प्रोडक्ट बनाना है HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तीसरा तुमको बनाना है खाली HCl से, और चौथा तुमको बनाना है HCl और ROR के प्रेजेंस में।
ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि तुमको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और कहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल मतलब कार्बोकेटायन बन गया, तब ये रिंग क्या करेगी? अगर यहाँ पे तुमने ये बना दिया पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, तो ये रिंग क्या करेगी? एक्सपांड करेगी ना। तो वो भी तुमको फैक्टर ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल के केस में तो ये फ्री रेडिकल के केस में तो ये ऐसे ही रहेगा, बट जहाँ पे कार्बोकेटान वाला केस है मतलब मार्कोनी कॉफ्स वाला रूल, ये इन तीन कंडीशन में ये क्या कर जाएगी? एक्सपांड करके साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। तो वो केस ध्यान में रखो इसमें। समझा क्या बोला हिंदी में मैंने? तो इसका आंसर आपको मिलेगा कुछ ऐसे, बना लो, ट्राई कर लेना। दूसरे पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बी आर आ जाएगा, तीसरा भी तुमको सी एल यहाँ पे मिलेगा और चौथे केस में भी ये मिलेगा, ये आएगा। रिंग एक्सपांड कहाँ पे करेगा वो तुमको पता होना चाहिए। कार्बोकेटाइन के प्रेजेंस में एक्सपांड करेगा, फ्री रेडिकल वाले केस में एज इट इज रहेगा।